वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबरार हैदर है और आज मैं इस खेत में भाई के साथ आया हूँ कि इनको जो है ना फाइंडस प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाऊँ। ये तमाम जड़ी बूटियों के लिए होता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि भाई को भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इसकी क्या क्या ज़रूरियात होती हैं। तो भाई, आप ये प्रोडक्ट मैं आपको इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ जी, जो तमाम जड़ी बूटियाँ ख़त्म करता है, इस बारे में आपका कोई सवाल है तो वो बताएं, एक तो ताकि नाज़रीन भी सुन सकें और उनको भी तजर्बा हो जाए कि क्या कुछ ज़रई अद्वियात में इस्तेमाल होता है। एक तो ये बात है कि आप हमें ये बताएं कि ये कौन सी जड़ी बूटियां ख़त्म करता है और इसके इस्तेमाल पर कितने पानी की ज़रूरत है। जी जी, आप थोड़ी सी हमें बातें समझा दें ताकि हमें मुश्किलात ना हो। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है भाई ने किया। दोस्तों, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, बाकी लोग तो इस्तेमाल करवाते हैं दो दवाइयाँ, मतलब नोकीले पत्ते के लिए अलग दवाई, चौड़े पत्ते के लिए अलग दवाई। ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट है ना फाइंडस एक्स्ट्रा हमारा, ये दोनों जड़ी बूटियाँ ही मारता है, चौड़े पत्ते वाली भी और नोकीले पत्ते वाली भी। तो आपको दो दवाइयाँ मिक्स करने की टेंशन नहीं होती, ये एक ही डब्बा जो है ना दोनों दवाइयाँ ख़त्म करता है। और पानी का इस्तेमाल बहुत सारे दोस्त हमारे एक टैंकी के चक्कर में ना वो अपनी गंदम को जो है ना ख़राब कर बैठते हैं, स्ट्रेस में आ जाती है। उसके लिए 100 लीटर पानी आपने इस्तेमाल करना है ताकि गंदम की जो जड़ी बूटी है हर पत्ते तक दवाई पहुंच सके और रिज़ल्ट एक्सीलेंट 100% आ सके। इसके लिए आपको चाहिए कि 100 लीटर पानी इस्तेमाल कराएं। बाज़ दोस्त ऐसा करते हैं कि 4 टैंकियों के बजाय 3 करवा देते हैं, चलो 50-100 का फ़ायदा हो जाता है, मगर वो नुकसान होता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये गंदम पे स्प्रे होगी तो 1% भी गंदम को ये कुछ नहीं कहेगी, इसका रिज़ल्ट 100% आपको आएगा। तो एक बात हमें ये भी समझा दें कि ये वत्तर के वक्त करना चाहिए, हाँ, या खुश्क ज़मीन हो या पानी में करना चाहिए। बेहतरीन सवाल भाई ने किया है, तो बड़ी खुशी हुई सुन के। ये दवाई जो है ना खुश्क वत्तर में इस्तेमाल होती है। अभी जब हम खड़े हैं तो इस में नरम वत्तर है, वो खुश्क वत्तर में इस्तेमाल होती है ताकि जड़ी बूटियों जो है ना उनकी तलब भी हो कि वो जड़ी बूटियों पे पानी पड़े, मतलब दवाई उस पे अंदर जज़ब हो जाए। सही, खुश्क वत्तर में ये फायदा होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू भाई, मेहरबानी भाई।